नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूँ रूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शहरवासियों में दिखा उत्साह, जिला प्रशासन मुस्तैद, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। महिला अधिवक्ता से बलात्कार का प्रयास करने वाले 4 आरोपी युवक पुलिस हिरासत में, आरोपी युवकों के परिजनों ने उन्हें निर्दोष बताया। और अपने कार्यालयों से लापता रहने वाले सरकारी बाबुओं के खिलाफ झामीमो लामबंद। अब खबरें विस्तार से। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर शहर में काफी उत्साह देखा गया। लोगों ने तिरंगा खरीदने में काफी उत्साह दिखाया। इसके अलावा पूर्व संध्या पर जिला प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था का जायजा भी लिया। 66वीं स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शहर में काफी उत्साह दिखा। लोग बाग शाम को ही सड़कों पर बिक रहे तिरंगा खरीदते देखे गए। सड़कों के किनारे एक तरह से तिरंगों की बहार सी आई है। विक्रेता हर आकार के तिरंगे बेचते देखे गए। कुछ विक्रेता तो पुराने ही थे, मगर हमारी टीम ने एक युवक को देखा जो कॉलेज की फीस अदा करने के लिए तिरंगा बेच रहा था। करीम सिटी कॉलेज के इस छात्र ने बताया कि वह पढ़ाई करना चाहता है, पर आर्थिक विपन्नता के कारण वह फीस देने में असमर्थ है। अतः झंडे बेचकर जो आमदनी होगी उससे वह फीस चुकाना चाहता है। कौन कॉलेज में पढ़ते हो? झंडा बेच के पैसा दो। उधर SDO सुबोध कुमार ने न्यूज टाइम्स को बताया कि स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर विधि व्यवस्था चाक चौबंद रखने की पूर्ण व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि गोपाल मैदान में उपायुक्त द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा और प्रशासन की ओर से सारी तैयारियां कर ली गई है। सभी कार्यालयों में वहाँ के कार्यालय प्रधान झंडा फहराते हैं, तो सब जगह का कार्यक्रम और टाइमिंग है। गोपाल मैदान में इस पर उपायुक्त महोदय के द्वारा झंडा फहराया जाने वाला है और उसके लिए जो निर्धारित तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। कहाँ कहाँ नो एंट्री लगाया जा रहा है? नो एंट्री इसके लिए ट्रैफिक DSP एंड SSP जो है वो लोग निर्णय लेकर के, और सुबह में तो निश्चित रूप से झंडोत्तोलन का जो समय है उस समय हैवी व्हीकल्स का प्रवेश निषेध रहेगा, उसके लिए टाइमिंग पहले से। कुमरुम बस्ती मानगो में एक महिला वकील से बलात्कार का प्रयास करने वाले 4 आरोपी युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हालांकि उनके परिजन उन्हें बेगुनाह बता रहे हैं। मानगो कुमरुम बस्ती में महिला अधिवक्ता काकोली महतो के घर में घुसकर कथित रूप से बलात्कार का प्रयास करने वाले 4 आरोपी युवक सुजीत दास, राजेंद्र सिंह, प्रमोद सिंह और कृष्णा सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है एवं उनसे पूछताछ जारी है। हम सोने की छत पे कुछ आवाज आ रहा है क्योंकि मेरा कंस्ट्रक्शन कम्प्लीट नहीं है, तो वहाँ एक आदमी पीके हम पहले उसको देख नहीं पाए क्या है, एंड मुंह ऐसे मेरा दबा दिया, हम देखने गए। उसका बाद फिर वहीं पे हम गिरे पड़े, बहुत कुछ हुआ। फिर वो आके गेट खोल दिया तो फिर और 4 आदमी एंट्री किया, दे ट्राइड टू रेप। हम बुरी तरह से घायल हो गए। उन्होंने 4 आदमी का अरेस्ट किया, पुलिस एक आदमी नहीं मिला। कौन लोग थे मैम? बगल में रहते हैं। दूसरी ओर इन आरोपी युवकों के परिजन बुधवार को SSP रिचर्ड लकड़ा से मिले। उन्होंने कहा कि सभी युवक बेगुनाह हैं और उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। लीजा के दरवाजा पर बोल रहे थे कि हम तो सब आदमी को रेप केस में फंसा दिए हैं, अगर तुम लोग को ताकत है तो जाके छुड़ा के देख लो। कितने आदमी गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी करीब 10:30 बजे। कितने लोग हुई है अभी तक? 4 आदमी। किनके किनके हुई है? अब नाम नहीं बात। क्या इस तरह से क्यों करती है हरकत? इस तरह से करती है, अपने को धौंस जमाती है वहाँ, हमसे डर के रहे। दूसरी ओर उसी बस्ती की वंदना देवी नामक महिला ने न्यूज टाइम्स को बताया कि घटना वाले दिन वह अपने कुत्ते को घुमा रही थी, तभी काकोली महतो से कहा सुनी के बाद झड़प हुई थी। हम सर कल 6 बजे कुत्ता लेके गए थे घुमाने के लिए, तो घुमाने के लिए लेके गए थे कुत्ता, तो क्या नाम है तुमको? काकोली महतो। काकोली महतो वहाँ पर थे तो बोले कि
तुम मने इधर कुत्ता काहे लेके आई है, अब मेरे को पूरा मने धर ली, झोटा उटा करने लगी, पूरा मारने लगी, तो हम भी सर मारने उने लगे पूरा उनको। तो मेरा हस्बैंड बाहर में बैठे तो बोलते तुम काहे के लिए लड़ाई झगड़ा करती है, चलो घर। मेरा आदमी गए तो बोलते उनको धर लिए, जबरदस्ती पकड़ ली। रंजिंदर सिंह उसको जबरदस्ती पकड़ ली, राजेंद्र सिंह जबरदस्ती उसको उनको पकड़ लिए। पकड़ के बाद में कहते तुमको हम तो बलात्कार केस में फंसा देंगे। बहरहाल पुलिस इस मामले में कई बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है, देखना है कि ऊंट किस करवट बैठता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को डीएलसी कार्यालय का दौरा किया और कार्यालय से गायब रहने वाले अधिकारियों की शिकायत उपायुक्त से की। जिला अध्यक्ष रमेश हांसदा के नेतृत्व में बुधवार को कार्यकर्ताओं ने सीताराम डेरा स्थित डीएलसी कार्यालय का दौरा किया। कार्यालय में समय से नहीं आने वाले बाबुओं और गायब रहने वाले अधिकारियों की उन्होंने एक सूची बनाई तथा बाद में उन्होंने उस सूची को उपायुक्त को सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की। रमेश हांसदा ने कहा कि युवा मुख्यमंत्री के निर्देशों की अवहेलना करने वाले सरकारी अधिकारियों पर कार्रवाई जरूरी है। कई दिनों से कई सालों से शिकायत आते हैं, तो सीएम साहब का सीधा वक्तव्य रहा है कि कोई भी अधिकारी अपना मोबाइल भी स्विच नहीं ऑफ करेगा, समय पर काम में आएगा। तो आज हम लोगों ने अचूक निरीक्षण किया पार्टी की ओर से, झारखंड जिला समिति की ओर से, और हम लोगों ने देखा कि 11 बजे तक कोई भी अधिकारी वहाँ उपस्थित नहीं था। मात्र दो कर्मचारी 10 बजे आए थे, उसके बाद क्रमशः लोग आ रहे थे, सबकी हमने टाइमिंग भी नोट डाउन किया। तो इस तरह वर्क कल्चर से झारखंड कभी नहीं छुटा सकता है। तो हम लोग डीसी महोदय को पूरा डिटेल आज हम लोग करने जा रहे हैं और आग्रह करेंगे उन लोगों पर अंकुश लगाया जाए, एक वर्क कल्चर डेवलप किया जाए और ये पूरी रिपोर्ट हम राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भी हम लोग देंगे और अनुरोध करेंगे ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड करें और इन लोगों का एसआर में जो सर्विस रिकॉर्ड है उन पर भी लाल दागे से लिखा जाए और इनका जितना इंक्रीमेंट है सभी इस पर रोक लगाए। बर्मा माइन क्षेत्र में तेल के अवैध कारोबार के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए इस दिशा में कठोर कार्रवाई की मांग की। भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले बुधवार को प्रदर्शन किया गया। वे बर्मा माइन क्षेत्र में तेल में मिलावट, कालाबाजारी और अवैध कारोबार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन्होंने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। उनका नेतृत्व रतन महतो कर रहे थे। कुछ दिनों से अवैध का मतलब डीजल का धंधा चल रहा है, जिसपे की है केरोसिन तेल को रिफाइन करके केमिकल डालकर उस पे डीजल बनाया जा रहा है, जिसके कारण पब्लिक के बीच में केरोसिन की किल्लत होते जा रही है। इसी मांग को लेकर आए हुए हैं। कुछ दिन पूर्व इस पे एक छापामारी हुई थी, छापामारी होने के दौरान भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसीलिए हम डीसी से मांग करने आए हुए उस पर उचित उचित से कार्रवाई किया जाए और जो भी दोषी पाए जाए उस पर काम। कौन लोग हैं, क्या नाम है? कुछ इंडियन ऑयल का ऑफिसर भी इसमें मिले हुए हैं। जिला परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं आरोपी जिला अभियंता सुरेश कुमार विद्यार्थी के निलंबन की मांगों को लेकर झारखंड विकास मोर्चा के बैनर तले बुधवार को उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया। झारखंड विकास मोर्चा के बैनर तले बुधवार को उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया। बाद में उन्होंने उपायुक्त को अपना मांग पत्र सौंपा। जिला परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ वे लामबंद थे। उन्होंने जिला अभियंता सुरेश कुमार विद्यार्थी को अविलंब निलंबित करने एवं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कार्रवाई न होने की सूरत में 10 दिनों बाद क्रमिक धरना की चेतावनी दी है। विकास मोर्चा जिंदाबाद, 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 करना होगा, करना होगा। विकास मोर्चा जिंदाबाद। इसके विद्यार्थी जो है जिला परिषद के, उसके विरोध में हम लोग आए हैं। यहाँ पे जो 20 साल से अपने पद में बैठे हुए हैं और कोहराम मचा के रखे हुए हैं अपना पद में बैठ के, काफी यानी कि दो दो अपना प्रॉपर्टी बना लिया, एक कई जगह पे उसका प्रॉपर्टी है, कहीं 7 करोड़ का, कहीं 5 करोड़ का। ये हम लोग जानना चाह रहे थे, झारखंड विकास मोर्चा ने ये वीडा उठाया है, जानना चाह रहे हैं कि इतने पैसे वो लेके आए कहाँ से। उनको बीच में अभी ऐसा हुआ था, उनको जेल भी हुई थी, जेल से आने के बाद भी, 3 दिन जेल में रहने के बाद भी वो अपने पद में कायम है। मजदूर नेता स्वर्गीय कालीपदो भुइया की याद में बुधवार को भुइयाडी में आयोजित रक्तदान शिविर में मजदूरों समेत आम लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भुइयाडी में आयोजित रक्तदान शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मजदूर नेता रहे कालीपदो भुइया की याद में हर वर्ष आयोजित होने वाली इस रक्तदान शिविर का उद्देश्य है लोगों में रक्तदान के प्रति जागरूकता लाना। गत वर्ष शिविर में 300 इकाई रक्त संग्रह किया गया था, जो जरूरतमंदों के लिए वरदान तुल्य है।
पूर्व विधायक एवं शिविर के मुख्य आयोजक दुलाल भुइया ने सभी रक्तदाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। हम लोग ये कार्यक्रम हम लोग करते हैं और इस कार्यक्रम में मजदूर लोग ज्यादा ही प्रभावित है और आज महिलाओं से लेकर नौजवान से लेकर पुरुष तक आज 14 अगस्त के दिन उनका आज के दिन देहांत हुआ था, उसी के याद में हम लोग ये कार्यक्रम को भव्य रूप से करते हैं। कपाली स्थित वासनी मोहल्ला में बच्चों की लड़ाई में बड़ों ने हस्तक्षेप किया और इस लड़ाई ने बड़ा रूप अख्तियार कर लिया, फलस्वरूप एक महिला समेत कई लोग घायल। मामला कपाली थाना क्षेत्र के वासनी मोहल्ले का है। बुधवार को दो बच्चों के बीच आपसी विवाद के बाद दोनों पक्षों से बड़ों ने हस्तक्षेप किया और दोनों पक्षों में जमकर हाथापाई हुई। इस झड़प में एक महिला नूरजहां के अलावा कई लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। लड़का इतना देर है मारा गया। क्या नाम था जो मारने वाला था? नाम हम भी नहीं जानते। इमरान एक जो औजार से मारा गया। आपको क्या चीज़ मारा था? औजारे से मारा। आपके बच्चे का लड़ाई किससे हुआ था? इमरान बच्चा से बड़ा लड़का है, समझे कम से कम 15 साल का लड़का है। क्या नाम है लड़का का? वो लड़का का नाम हम भी नहीं जानते। असंगठित क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों की दयनीय स्थिति के मद्देनजर राष्ट्रीय यूथ इंटक ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए इस दिशा में कदम उठाने का आग्रह किया। असंगठित क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों की दयनीय स्थिति के मद्देनजर राष्ट्रीय यूथ इंटक ने अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार को उपायुक्त अमिताभ कौशल को एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों की अनदेखी पर रोष जताते हुए राष्ट्रीय स्तर पर वेज निर्धारण के अलावा उनकी सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं भविष्य निधि पर कदम उठाने का आग्रह किया। की ओर से असंगठित क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ डीसी साहब के पास आए हैं। असंगठित क्षेत्र का ट्रांसपोर्ट एक ऐसा एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा शोषण है और बदहाली का जीवन है उन लोगों का। उनको सामाजिक सुरक्षा संबंधी जो भी कानून है उनके ऊपर लागू नहीं होता है, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है, ना तो वेतन की कोई ये है समानता है, वेतन में तमाम तरह की विसंगतियां हैं, उसके अलावा पीएफ ग्रेच्युटी ईएसआई का कोई प्रोविजन नहीं है। एक गाड़ी चलाने वाला कोई ड्राइवर जो है अगर मर जाता है तो उसको किसी तरह कोई सामाजिक सुविधा नहीं मिलती है। इन तमाम मांगों को लेकर हम लोगों ने डीसी साहब को एक ज्ञापन अभी देने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग ये चाहते हैं कि उनको लेकर के ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों के लिए एक वेज बोर्ड का गठन हो ताकि हर जगह जो है समान उनको वेतन मिले। उसके अलावा उनको जब भी कोई वाहन मालिक अगर कोई गाड़ी खरीदता है तो गाड़ी खरीदते समय अपने चालक के नाम का घोषणा करे कि इस चालक से वो अपना गाड़ी चलवाने वाला है। उसके अलावा उनको पीएफईएसआई के जो कानून है उसके दायरे में उनको लाया जाए, सामाजिक सुरक्षा संबंधी जो कानून है भारत सरकार का उसके दायरे में असंगठित क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों को भी लाया जाए। घोड़ाबांधा में एक ऑटो चालक को डीजल चोरी के इल्जाम में सुरक्षा कर्मियों ने पिटाई कर दी। घायल ऑटो चालक खुद को बेकसूर बता रहा है। घोड़ाबांधा चौक में कल देर रात वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने संजय सिंह मंडल नामक ऑटो चालक को डीजल चोरी के आरोप में पकड़ा और उसकी जमकर धुनाई कर दी। घायल ऑटो चालक संजय सिंह मंडल ने न्यूज टाइम्स को बताया कि वह ड्यूटी से लौट रहा था। उसने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उस पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। ड्यूटी करते जी हॉस्टल गाड़ी चलाते हुए वहाँ से घोड़ाबांधा से जी हॉस्टल आ रहा था, इसको खड़ा मेरा चौक में मैंने बाइक से उधर आ रहा था तो कोई इसको रोका, ये टेलको सिक्योरिटी वाला